नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार, इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय शहर के उलाव हवाई अड्डे पर। और आज इस हवाई अड्डे पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, और इस दौरान पीएम मोदी यहां से 1,62,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो है सुबह से ही लोग आने लगे हैं। और बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो इसको लेकर के भी जो है व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, तैयारी पूरी कर ली गई है, और अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार है। हम यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? चांद। कहाँ आए हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री को देखने, नरेंद्र मोदी से मोदी जी को देखने आए। हाँ, उसी को देखने आए हैं। अभी आया नहीं, वो 2 बजे आने वाला है। इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं हम लोग, अभी अंदर जाने नहीं दे रहा है। अच्छा, 2 बजे आएगा तो देखेंगे। तो कितना ज़्यादा खुशी है कि आज प्रधानमंत्री को आप लोग देखिएगा? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत देखने किनको आए हैं? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को जी देखिएगा आज? बिल्कुल। क्या कहिएगा मोदी जी को लेकर? कहना क्या है, वो तो कर ही रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, कहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1,64,000 करोड़ का सौगात आज बिहार को देने आ रहे हैं, तो फिर उनसे क्या कहना है। आज इस दिनकर की कर्म भूमि पर और श्री बाबू की दिनकर की जन्मभूमि, श्री बाबू की कर्म भूमि और माँ सीता की मिथिला की भूमि पर वो योग पुरुष आ रहे हैं, योगी पुरुष आ रहे हैं, ऋषि पुरुष आ रहे हैं, जो सनातन का पुनर्जागरण भी करने का काम किया और विकास को चंद्रमा से लेके जन जन तक पहुंचाने का काम किया और विकास की एक लड़ी लगा दी है। बेगूसराय में गंगा पर पुल दे करके, एनटीपीसी में 2 यूनिट दे करके, फर्टिलाइजर बंद पड़े को खोल करके, रिफाइनरी को पुनर्जीवन दे करके 25,000 करोड़ लगा करके, क्रूड ऑयल से पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना करने के बाद गंगा में पुल, सामहो पुल, NHI, ये विकास की लड़ी लगाया है। इसीलिए पूरे बेगूसराय की जनता से आह्वान है कि आप आशीर्वाद देने के लिए, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए लाखों लाख की संख्या में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है 5 बजे के करीब जो है बेगूसराय में होगा, लेकिन उससे पहले जो है 2 बजे जो है लोगों का को प्रवेश दिया जाएगा यहाँ पर। उससे पहले जो है फिलहाल आम आदमी का प्रवेश जो है इस ग्राउंड के अंदर जो है रोक दिया गया है। द बिहार झारखंड के लिए बेगूसराय से अमित कुमार।